एक अच्छे आशियाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन कोरोना काल में आम आदमी के लिए घर बनाना एक सपना ही रह गया है। इसके पीछे बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन करने की लागत में इजाफा है। अगर आप इस समय घर बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि शहरों में इस वक्त मजदूरों की कमी की वजह से मजदूरी की लागत में इजाफा हो गया है। बिल्डर्स और ठेकेदारों को पहले से दोगुनी मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। इस सेक्टर में करीब 5 करोड़ लोग काम करते हैं। बेटर प्लेस के अनुमान के मुताबिक महामारी से पहले की तुलना में मजदूरी 450 से 500 रुपए से बढ़कर 550 से 600 रुपए प्रतिदिन हो गई है। वहीं मजदूरों की उपलब्धता 70 से 75% घट गई है। घर बनाने में मजदूरी की बड़ी भूमिका होती है। घर बनाने में करीब करीब आधी लागत मजदूरी की आती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूरी की लागत बढ़ने की वजह मजदूरों का पलायन है। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर मजदूर अपने घरों की ओर लौट गए। वहीं जो मजदूर शहरों में बचे हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग रियल एस्टेट कंपनी और हाईवे के निर्माण में लगे हुए हैं, क्योंकि इन जगहों पर मजदूरों को लंबे समय के लिए काम मिलता है। ऐसे में मजदूरों की कमी की वजह से न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आपको 100 गज यानी 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट बनाने में कितना खर्चा आ सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि हाई, मीडियम या फिर सिंपल कंस्ट्रक्शन। हाई एंड घर बनाने की लागत करीब करीब 2000 से 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की आती है, जबकि मीडियम कंस्ट्रक्शन पर घर बनाने की लागत 1000 से 1200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की आती है। सिंपल कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट 800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की आती है। इस लागत में मजदूरी भी शामिल है, जो कि करीब करीब 30 से 25% की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मीडियम क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको घर की लागत में मजदूरी की कॉस्ट करीब करीब 4 लाख रुपए तक आती थी, जो कि अब 5 लाख रुपए तक आ सकती है। मजदूरी की लागत बढ़ने से ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हुआ है। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन घर बनाने का फैसला टालने से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन आ जाएगी और मजदूर फिर से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर देंगे और फिर मजदूरी लागत भी कम हो जाएगी।